खबर इंदौर से है, जहां लव मैरिज के 15 दिन बाद ही युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पत्नी को उसके पिता ससुराल भेजने के बदले रिवाज के नाम पर 50,000 रुपये की मांग कर रहे थे। हम बहू नहीं खरीदेंगे, यह कहकर प्रेमी के पिता ने पैसे देने से इंकार कर दिया। इसके बाद से ही युवक तनाव में चल रहा था। गुरुवार की शाम 5 बजे युवक ने छोटे भाई के मोबाइल पर मिस यू पापा लिखकर SMS भेजा और सुसाइड कर लिया। TI सतीश द्विवेदी के मुताबिक अंकित ने 3 मई को शिवानी से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने बिजासन माता मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद वह पत्नी को लेकर अपने पिता के यहाँ ओंकारेश्वर आ गया था। यहाँ पहुँचते ही अगले दिन शिवानी के पिता ने बेटी को फोन लगाकर उसे इंदौर बुला लिया। जैसे ही शिवानी गंगानगर पहुँची, उसे पिता ने कमरे में बंद कर लिया। उसे 8 मई से घर के बाहर नहीं निकलने दिया। अंकित ने जब ससुर अशोक साहू से बात की तो उन्होंने शिवानी को भेजने के बदले 50,000 रुपये की मांग रख दी। अंकित कपड़ा बाजार में नौकरी करता था, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने ड्राइवर पिता पप्पू से पैसों की मांग की, पर अंकित के पिता ने यह कहकर पैसे देने से मना कर दिया कि हम बहू खरीद कर नहीं लाएंगे। भाई पीयूष ने बताया कि अंकित ने गुरुवार की शाम को मुझे SMS भेजा था, मिस यू पापा। मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया, सोचा पत्नी के नहीं आने से तनाव में होगा, इसलिए ऐसे मैसेज किए होंगे। पड़ोसी ने अंकित के सुसाइड की सूचना पीयूष को दी। उसने यहां पहुंचकर पुलिस की मदद से दरवाजा तोड़ा। यहां अंकित फंदे पर लटका हुआ था। दीवार पर पत्नी शिवानी का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा था। पूरे कमरे का सामान फैला हुआ था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अंकित का मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। मोबाइल में कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और नंबर मिले हैं, जिन्हें लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पैसे मांग रहा था, बोला हमारा रीति रिवाज चलता है, बोले 50,000 रुपये दो और लड़की ले जाओ, और ऐसे लड़की नहीं पहुँचा रहे थे। और उनकी राजी खुशी मर्जी से करी थी दो ही ने शादी। अभी तक की जानकारी में तो यही आया है कि इसमें फांसी लगाने से ये हुआ है। पुलिस को ये मिल पाई है, PM के बाद में ही बता पाएंगे।